उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सत्य युग में मोर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो, जगन्नाथ अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, भक्त वत्सल, देव देवेश्वर, जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं, उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राक्षस का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए।